हम सर पर कफन बांधे मैदान में निकले हैं, हम शिक्षा माफियाओं को मिटाने निकले हैं। हिम्मत है तो हमें रोको, दम है तो हमें टोको, हम अपने अधिकारों को बचाने निकले हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर भारत, मैं हूं आपके साथ खुशबू सांगवी। ये जो लाइनें मैंने आपको अभी सुनाई वो मेरी नहीं दरोगा कैंडिडेट्स की है। एक बार फिर से उन्होंने अपनी आवाज को बुलंद किया और कल यानी कि 3 मार्च को पटना की सड़कों पर उतर के प्रोटेस्ट करने वाले हैं, सरकार का घेराव करने वाले हैं। जो दरोगा परीक्षा बहाली में जो धांधली हुई है उसको लेकर सीबीआई जांच करने की मांग कर रहे हैं सरकार से, लेकिन जो नीतीश सरकार है अब तक इस मामले पर चुप्पी साध ली है। अब तक उन्होंने अभ्यर्थी से कुछ भी कहने से इनकार किया है, जिसको लेकर कैंडिडेट्स पटना की सड़कों पर 3 मार्च को प्रोटेस्ट करने वाले हैं। तो हम आपको पूरी खबर बताते हैं। दरअसल दरोगा अभ्यर्थी की जो परीक्षा हुई थी उसमें अभ्यर्थियों का कहना है कि इस परीक्षा में धांधली हुई है, जिसको लेकर वो सरकार से सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार अब तक इस मामले में कोई भी फैसला नहीं लिया है, उन्होंने इनकार कर दिया है। वहीं विपक्ष ने इस मुद्दे को सदन में रखा भी था, लेकिन अभ्यर्थियों का कहना है कि जिस तरीके से इस मुद्दे को रखा है वो सही नहीं है। वहीं लोजपा के जो अध्यक्ष हैं चिराग पासवान ने भी आश्वासन दिया था छात्रों को कि वो नीतीश कुमार से बात करेंगे और उनकी मांगों को उनके सामने रखेंगे, लेकिन अब तक इस मामले में कोई भी ऐसा फैसला नहीं लिया गया है, जिसको लेकर एक बार फिर से जो अभ्यर्थी है वो पटना की सड़कों पर उतर के प्रोटेस्ट करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं वीडियो में किस तरीके से जो कल प्रदर्शन होने वाली है उसकी तैयारियां चल रही है। पटना के सभी वाहनों पर आपको इस तरीके का बैनर और पोस्टर देखने को मिल जाएगा। वहीं जो इस प्रदर्शन का जो नेतृत्व कर रहे हैं दिलीप कुमार, जो कि अब अहम चेहरा बन चुके हैं दरोगा अभ्यर्थियों का, तो वो भी देख रहे हैं किस तरीके से तैयारी में जुटे हुए हैं। आगे की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ फॉर भारत। धन्यवाद।